हेलो फ्रेंड्स, वर्ल जंक्शन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के मेन विलेन यानी कि भाई रणदीप हुड्डा से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों रणदीप हुड्डा सलमान खान के साथ आने वाली उनकी फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि इस साल ईद के मौके पर आएगी। और इस फिल्म को लेकर बताया जा रहा है कि इस फिल्म में रणदीप हुड्डा का एक जबरदस्त रोल हम सबको देखने को मिलेगा, यानी कि इस फिल्म में रणदीप हुड्डा अपने जबरदस्त विलेन अवतार से लोगों को डराएंगे भी और दबंग खान का जबरदस्त मुकाबला करते नजर आएंगे भी। तो भैया आज रणदीप हुड्डा ने अपनी फिल्म के बारे में बताते बताते कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि जिसको सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि उन्होंने इनडायरेक्टली अक्षय कुमार पर हमला बोल दिया है उनकी फिल्म यानी कि केसरी को लेकर। तो दोस्तों पूरा माजरा क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको तो याद ही होगा कि 2019 में अक्षय कुमार की फिल्म केसरी आई थी जिसको लोगों ने काफी पसंद भी किया था और इस हिस्टोरिकल मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन भी किया था। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि रणदीप हुड्डा ने इस फिल्म को लेकर वो बातें बोल दी जो कि शायद ही अक्षय कुमार के फैंस को पसंद ना आए। तो भैया उसके पीछे का कारण ये है, आपको बता दूं कि जब अक्षय कुमार की फिल्म केसरी बॉक्स ऑफिस पर आई थी तो उस वक्त रणदीप हुड्डा भी सेम प्लेटफॉर्म पर ही काम कर रहे थे, यानी कि वो भी इसी प्लॉट पे एक फिल्म को लेकर आने वाले थे सिनेमाघर में। लेकिन केसरी की वजह से उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एंट्री नहीं मिल पाई। उसी के साथ साथ उस वक्त अजय देवगन ने भी इसी प्लॉट पर एक फिल्म की घोषणा की थी जो कि सन ऑफ सरदार का पार्ट टू होता। लेकिन जब अजय देवगन को इस बात की जानकारी मिली कि भैया केसरी बन रही है और इस फिल्म में अक्षय कुमार है और ये प्लॉट वही है जो कि वो भी बना रहे हैं, तो उसके बाद अजय देवगन ने इस फिल्म को नहीं बनाने का फैसला लिया था। उस वक्त तो खबरें ये भी आई थी कि केसरी का हिस्सा सलमान खान भी होने वाले थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके दोस्त यानी कि अजय देवगन भी सेम प्लॉट पर फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने करण जौहर का साथ छोड़ दिया था। तो भैया आज काफी दिनों के बाद यानी कि एक साल बाद रणदीप हुड्डा ने इस फिल्म को लेकर अपनी जुबान खोली है। उन्होंने बताया कि मुझे इस बात का दुख है कि दर्शकों को बैटल ऑफ सारागढ़ी पर आधारित एक अच्छी फिल्म देखने को नहीं मिल पाई। हालांकि समय के साथ साथ आप ऐसी चीजों से आगे बढ़ना सीख जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने सिख धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी और आज मैं एक अच्छा इंसान हूं। यानी कि भैया रणदीप हुड्डा ने यह बात कही है कि अगर उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आती जो कि भैया बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर में आधारित थी तो लोगों को एक अच्छी फिल्म देखने को मिल जाती। अगर वो एक अच्छी फिल्म अपनी फिल्म को बता रहे हैं तो क्या केसरी में कुछ कमियां थी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। यानी कि रणदीप हुड्डा ने एक तरीके से सवाल खड़ा करने की कोशिश किया है केसरी के अगेंस्ट। तो आपको क्या लगता है रणदीप हुड्डा क्या कहना चाहते हैं अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।